आईपीएल 15 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले तमाम टीमों ने अपने रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। मौजूदा टूर्नामेंट में खेल रही 8 टीमों ने अपने रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है और साथ ही टीम ने मोटी रकम देकर अपने अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को साथ बनाए रखने का फैसला कर लिया है। सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम है, जबकि सबसे नीचे महेंद्र सिंह धोनी पहुंच गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आईपीएल 2022 रिटेंशन के तहत सभी टीमों ने अपने रिटेन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केन विलियमसन जैसे बड़े नाम रिटेन हुए हैं। वहीं राशिद खान, डेविड वार्नर, केएल राहुल, ओयन मॉर्गन, शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों को उनकी टीम ने रिलीज कर दिया है। रिटेंशन में दिलचस्प बात यह हुई है कि विराट कोहली और धोनी की सैलरी घट गई है। वहीं रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को अब इन दो दिग्गजों से ज्यादा पैसा मिलेगा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, जबकि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को 16 करोड़ में रिटेन किया है, तो वहीं एमएस धोनी को 12 करोड़ रुपए में सीएसके ने रिटेन किया है। विराट कोहली को आरसीबी ने 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। ऐसे में रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सैलरी देखें तो ये चौंकाने वाला है कि सीएसके को 4 बार आईपीएल जिताने वाले धोनी को रविंद्र जडेजा से कम रुपए में रिटेन किया गया है। वहीं विराट कोहली की सैलरी भी रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत से कम है। धोनी और विराट दोनों को इन खिलाड़ियों से कम रुपए में रिटेन किया गया है। ऐसे में आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा बन गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले खिलाड़ी हैं। आरसीबी के विराट कोहली, जिन्हें 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह, जिन्हें 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को 12 करोड़ में रिटेन किया है, जबकि अगर बात कोलकाता नाइट राइडर्स की करें तो आंद्रे रसेल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। तो ये तमाम खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। गौरतलब है कि आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में मेगा ऑक्शन होगा। जिन स्टार खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है उसमें हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, राशिद खान, शिखर धवन, फाफ डु प्लेसिस, बेन स्टॉक्स प्रमुख हैं। नए नियमों के मुताबिक आईपीएल की मौजूदा 8 टीमें अधिकतम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी। आईपीएल की पुरानी टीमों के लिए मेगा ऑक्शन में पर्स 90 करोड़ रुपए तक का है।